फ्रेंड वेलकम टू द सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुपनील और इस वीडियो में हम देखने वाले जेएसपीएम पुणे के बारे में। तो जयंत राव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हड़पसर पुणे, इसकी इन्फॉर्मेशन हम टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रॉम कॉलेज की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, वन ईयर की कॉलेज की फ़ी क्या है, वन ईयर की हॉस्टल की फ़ी क्या है, फैकल्टी, लोकेशन, प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, कौन कौन से कंपनीज ने विजिट किया है, इनटेक कैपेसिटी क्या है, फैसिलिटीज़ कैसी मिलती है आपको, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, कैंपस कैसा है और कट ऑफ भी हम इस वीडियो से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लास्ट तक वीडियो को देखते रहे, आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने में हमने कॉलेज के स्टूडेंट की भी हेल्प ली थी, उनसे भी हमने डायरेक्टली क्वेश्चन किए थे, तो उनका भी डाटा हमने इसमें यूज़ किया है और कॉलेज ने खुद ने जो रिलीज़ किया डाटा है उनके वेबसाइट के ऊपर वो भी यूज़ किया है और इंटरनेट रिसर्च। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम आपके सामने इस वीडियो को ला रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको इस वीडियो को देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जेएसपीएम पुणे की ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की रेफरेंस, तो 2004 को ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, एक प्राइवेट नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, उसी हिसाब से देखना है। एनआरएफ ने इसे रैंकिंग नहीं दी है। डीटी कोड देखा जाए इसका तो 6145 है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं आपको, महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहोगे एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको महाराष्ट्र के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, कॉलेज रिव्यू वाले वीडियो मिल जाएंगे। कॉलेज की फ़ी की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो गए तो वन ईयर की जो फ़ी है आपकी फ्रेंड्स वो है 1.13 लाख रुपीज़ ओपन कैटेगरी की फ़ी है। ओबीसी की फ़ी इससे भी हाफ चलेगी और एससीएसटी की फ़ी उससे भी हाफ चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हॉस्टल की फ़ी देखी जाए तो 35,000 रुपीज़ फॉर वन ईयर की हॉस्टल की फ़ी आपको लगने वाली है, ठीक है। और कनेक्टिविटी का भी इतना ज़्यादा इशू आपको होने वाला नहीं है, हड़पसर बस स्टैंड से ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर आता है, तो पुणे से डायरेक्टली आप कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपकी इतना ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। आगे हम इस कॉलेज का प्लेसमेंट देखेंगे, एवरेज पैकेजेस देखेंगे, कौन कौन से कंपनीज ने विजिट किया है वो देखेंगे, इंटेक कैपेसिटी और कट ऑफ देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, आपके एमएसटी सीईटी के स्कोर के ऊपर या फिर आपके जेईई मेंस के स्कोर के ऊपर या फिर आपने डिप्लोमा किया होगा तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लग सकता है, इसकी टोटल 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर सीओपी के टॉप एक्सपर्ट टीम से डिज़ाइन करके ले सकते हैं। उसी लिस्ट को आप अपने कैप राउंड या फिर एडमिशन राउंड में यूज़ करके टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे फ्रेंड्स। तो हमारे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, प्रीवियस 6 ईयर में हमने मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट की कॉलेज को लिस्ट को डिज़ाइन किया है और कॉलेज की काउंसलिंग की है, तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी और साथ ही साथ हमने जो अच्छे वाले सभी कॉलेजेस है उनके कॉलेज वीडियो भी कवर करके रखा है फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाना है आपको, क्लिक करना है, डिफरेंट पैक्स आपको मिल जाएंगे, आप आपके ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एक पैक को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली सीओपीओ की काउंसलिंग फी पे करके सीओपीओ की टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आप सीओपीओ का वीआईपी पैक को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वीआईपी पैक आपको टोटल महाराष्ट्र में ऑनली ऑन सीओपीओ चैनल के ऊपर ही मिल रहा है, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट तो मिलने वाली है फ्रेंड्स, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ई बुक आपको मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको मिलेंगे, टॉप एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट ई बुक में आपको टॉप कॉलेज कंपैरिजन ई बुक, टॉप कॉलेज प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ई बुक, टॉप कॉलेज इन्फॉर्मेशन ई बुक आपको साथ शेयर की जाएगी, तो वेरी इजीली आप कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे, क्योंकि तगड़ा लेवल का नॉलेज के पास होने वाला है सीओपीओ के वीआईपी पैक के हेल्प से। तो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हमने इसे रखा है लिमिटेड टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर जाके आप यूज कर सकते हैं। प्लेसमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जनरली इनका प्लेसमेंट डाटा शीट का रिपोर्ट हमने जितना भी स्टडी किया है, जितना भी एनालिसिस किया है, उतने हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। 7.5 लाख टू 9.5 लाख इसके बीच में 65 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। और 5 लाख टू 7 लाख इसके बीच में 75 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिली थी और 3 लाख टू 5 लाख इसके बीच में 359 स्टूडेंट को प्लेसमेंट हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एवरेज पैकेज हम इसके हिसाब से भी निकालते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कितना पैकेज लगा इस कॉलेज में। तो एवरेज पैकेज देखा जाए इस कॉलेज का, वो देखा जाए फ्रेंड्स वो है 3 टू 4 लाख। तो 3 टू 4 लाख इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कंपनीज ने पैकेजेस को ऑफर किया है फ्रेंड्स, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कितना है इस कॉलेज का, तो हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख। तो हाईएस्ट पैकेज आपको 10 लाख मिलने वाला है, जो बायजू ने दिया था 10 लाख हाईएस्ट पैकेज। और लोएस्ट पैकेज भी है इस कॉलेज का, वो है 1.5 लाख का, लोएस्ट पैकेज है 1.5 लाख का। कंपनी कौन कौन सी विजिट करती है, तो बायजू, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कुछ इस टाइप की कंपनीज विजिट करती है, मीन्स बल्क वाली कंपनी ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बल्क में उठाते इस टाइप की कंपनी ज़्यादा दिख रही है इस कॉलेज में, तो उसी हिसाब से आपको देख रहा है। इंटेक कैपेसिटी देखिए जाए फ्रेंड्स, तो सीएस की इंटेक कैपेसिटी 120 है, आईटी की 60 है, एएनटीसी की 120 है, इलेक्ट्रिकल्स
की 60 है और मैकेनिकल की 180 इनटेक कैपेसिटी है फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से आपको देखना है। फैसिलिटीज़ देखी जाए तो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, जिम, मेडिकल हॉस्टल, कैफेटेरिया है, सब चीज़ें आपको बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी इस कॉलेज में। और स्टूडेंट सपोर्ट देखा जाए तो एंटी रैगिंग, क्वेरी रिपोर्ट, काउंसलिंग सर्विस, ये भी चीज़ें आपको मिलती है जनरली। कट ऑफ हम देखते हैं इस कॉलेज का कट ऑफ क्या है। प्रीवियस 2 to 3 ईयर का कट ऑफ का कंपेरिजन करके और एनालिसिस करके मैं राउंड 1 का आपको सीएस का कट ऑफ बता रहा हूँ। जेई मेंस का देखा जाए फ्रेंड्स तो जेई मेंस में जनरली आपको 88% ला रहे हैं। आप ओपन कैटेगरी से हो तो वेरी इजीली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर एमएसटी सीईटी का स्पेसिफिक देखते सीएस का राउंड 1 का तो ओपन के लिए 90% तक जनरल लगते हैं, ओबीसी के लिए 89% तक लगते, एससी के लिए 85% एसटी के लिए 78% एनटी या फिर वीजे से आप हो फ्रेंड्स तो 87.4% तक आपको जनरली लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली लगता है, उसी हिसाब से आपको देखना है। बाकी सभी इस कॉलेज का कैंपस कार्ड या फिर और किसी भी कॉलेज का कैंपस कार्ड आपको सीओपीएल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फॉलो करके देख सकते हो फ्रेंड्स। और बाकी 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट जरूर मंगाएं और टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कीजिए, क्योंकि टोटल टॉप एक्सपर्ट की टीम आपको यूज़ करने वाली है, आपको टोटल हेल्प करने वाली है, टोटल आपका डाटा का यूज़ करके आपको टोटल कॉलेज की लिस्ट को डिज़ाइन करके हम देने वाले। सीओपीएल का वीआईपी पैक को भी यूज़ करके आप टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके आप इंजीनियरिंग कॉलेज वीडियो इस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।